एयर इंडिया का बोइंग 707 हवाई जहाज दिल्ली से लंदन जा रहा है। मुसाफिरों में हर तरह के लोग मौजूद हैं, देसी विदेशी, नई जोड़ी पुरानी जोड़ी, मंत्री जी संतरी जी और एक अजीब लड़की दीपा, कमसिन हसीन दौलतमंद मगर जिंदगी से बेजार, यानी 23 साल की उम्र में 3 मर्तबा मोहब्बत में नाकामयाब होकर ये दिल बहलाने पेरिस जा रही हैं, ये खलिश और शिकायत लेकर कि हिंदुस्तान में अब कोई सच्चा चाहने वाला नहीं रहा। Ladies and gentlemen, good evening in Paris. In a few minutes from now, we will be landing at the Orly Airport. If you want to see the dazzling lights of the most romantic city, please look down. आज ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम, देखो 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 देखो, an evening in Paris। आज ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम, देखो 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 देखो, an evening in परियों की टोली, मीठी मीठी जिनकी बोली, क्या क्या दिल पर रंग जमाए, जलवों की ये आदमी चोली। देखो ये परियों की टोली, मीठी मीठी जिनकी बोली, क्या क्या दिल पर रंग जमाए, ये आँख में चोली। आज ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम, देखो 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 देखो, an evening in Paris। हाथों में हाथों को डाले, फिरते हैं आशिक निराले। ढूंढो यहाँ तुम भी साथी, मिल जाएंगे हुस्न वाले। हाथों में हाथों को डाले, फिरते हैं आशिक निराले। ढूंढो यहाँ तुम भी साथी, जाएंगे हुस्न वाले। आज ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम, देखो 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 देखो, an evening in Paris। दिल का दामन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो, कल का
सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो, अपने दिल का दामन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम, देखो 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 एन इवनिंग इन पेरिस, एन इवनिंग इन पेरिस, एन इवनिंग इन पेरिस। ओए रब्बा, कमाल है, इतनी देर हो गई, अभी तक मालकिन की सवारी नहीं आई। वो प्लेन से आ रही है सरदार जी, बस से नहीं। ओ मैनू पता है जी, मैं बस स्टॉप पे नहीं एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ। ओ वो आ गई। हाँ वेलकम टू पेरिस। क्या मतलब? आपका गुलाम यानी ड्राइवर सरदार बखत। आपको गलतफहमी हो गई है। कैसी गलतफहमी जी? अब देखो ना आपका तार, पढ़ो की लिखा है। ये तार मेरा नहीं है। तो फिर ये हार भी आपका नहीं है बहन जी, माफ करना। नमस्ते दीपा जी। आप? दामोदर दयाल आपका मैनेजर। ओह पेरिस वाले चाचा जी। जी हाँ आइए। ठहरिए, मैं आपकी मालकिन हूँ ना। जी हाँ। आइंदा कभी दीपा जी कहा तो नौकरी से बर्खास्त कर दूंगी, मैं आपके लिए सिर्फ दीपा हूँ और मालकिन सिर्फ मेरे लिए। आपका ड्राइवर सरदार बखन सही। आप दोनों गाड़ी में बैठिए, मैं आपका सामान लेकर आता हूँ। आइए चलिए। पकड़ी पकड़ी ये पेरिस की बेस्ट लोकेलिटी है और मैंने ये फ्लैट खास तुम्हारे लिए एंगेज किया है। और आप? मेरा तो दफ्तर के पास एक छोटा सा फ्लैट है। किसका है? ये हनी है, पेरिस में पढ़ती। मैंने सोचा एक कंपेनियन के तौर पर तुम्हारे साथ रहे तो तुम्हें सहूलियत हो। अच्छा बेटी, अगर मेरी जरूरत ना हो तो मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। हाँ, देखो बेटी दीपा को किसी तरह की तकलीफ ना। ओ अंकल, ये भी तो कहने की बात है। कल सुबह मिलूंगा। जी हाँ। गुड नाइट। गुड नाइट। आइए। मैं बहुत थक गई हूँ, सबसे पहले मैं जरा नहाना चाहती हूँ। बाथरूम कहाँ है? वो सामने है, टॉवल हॉट वाटर हर चीज रेडी है। ओह गुड। और हाँ, ड्राइवर अभी सामान लेकर आएगा। सूटकेस में से मेरा ड्रेसिंग गाउन निकाल के रखना, ऊपर ही रखा है। ओके। आप कुछ पिएंगे? कॉफी प्लीज। थैंक यू। हेलो, प्लीज सेंड टू कॉफी। ओके मालकिन, थोड़ा सामान लाया। वहां रख दो। ये मैं क्या देख रहा हूँ? सपना? व्हाट? सुंदर, अति सुंदर, तुम असली तो हो नहीं सकती। क्या कहा? सॉलिड, असली ही। शट अप। हनी, नाम है कितना मीठा, जैसे आगरे का पेठा। क्या तुमने कुछ कहा? कहना चाहता हूँ, आज पता चला कि पहली नजर में नफरत कैसे हो जाती है। हनी, कमिंग। हनी, क्या हुआ? जल्दी ऊपर आओ। मैंने जब दरवाजा खोला तो जानती हो क्या देखा? कोई झांक रहा होगा। नहीं, नीचे देखो। ये तो बहुत मामूली बात है, इस तरह खुली सड़क पर। अजी यहाँ तो हर जगह हर वक्त रोमांस होता है। रोमांस? रियली? ऑफ कोर्स, पेरिस के बारे में मशहूर है।
जिसने पेरिस पर मोहब्बत नहीं की वो दुनिया में कहीं नहीं कर सकता। लेकिन लेकिन मोहब्बत तो ढूंढनी पड़ती है पेरिस में। अजी यहाँ तो मोहब्बत खुद आपको ढूंढ लेती है। हनी मैं अक्सर एक सपना देखा करती हूँ जो हमेशा अधूरा ही रह जाता है। मोहब्बत का सपना? लेकिन झूठी बनावटी नहीं, सच्ची मोहब्बत का सपना। आपका मतलब आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? क्यों नहीं, बहुत से हैं। तो फिर? और बहुत चाहती भी हैं, लेकिन मुझे नहीं। मेरी दौलत को चाहने वाले पर से मेरा यकीन हट गया है। I hate। लेकिन यहाँ तो लोग आपको नहीं जानते। यहाँ आप एक मामूली गरीब लड़की बनकर पेरिस में घूम सकती है। और गरीब जानकर भी जो मुझे चाहेगा वो सच्चा चाहने वाला होगा, है ना? That's an idea. What an idea. Honey, you're a darling. Excuse me, madam, excuse me, I said we'll play. Excuse me, are you all right? Yes, thank you very much. Are you a policeman? No, I'm a Frenchman. Oh, Frenchman. Deviji. एक बदमाश लोफर की वजह से आपने शायद हर फ्रेंचमैन के बारे में गलत राय कायम कर ली। आपने तो कहा फ्रेंचमैन है। जी हाँ बिल्कुल, फ्रांस में रहता हूँ। लेकिन आप तो हिंदुस्तानी बोलते हैं। बिल्कुल आपकी मादरी जुबान की तरह 20 साल आपके वतन में रहा हूँ। आप लखनऊ से आई हैं? जी नहीं, दिल्ली से। वो ऐसे मेरे पिताजी भी लखनऊ में फ्रेंच के प्रोफेसर थे। अच्छा, आपका शुभ नाम? दीपा। नाम तो बहुत प्यारा। आप तो है ही पेरिस में सैर करने आई हैं? जी हाँ। जी नहीं, मैं अपनी मालकिन के साथ आई हूँ। मैं बहुत गरीब नौकरानी हूँ। कमाल है, जब मैं वहाँ था तो नौकरानियाँ अंग्रेजी नहीं बोला करती थी। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पेरिस में सब एक बराबर है, यहाँ छोटे बड़े का कोई फर्क नहीं होता। और ये साबित करने के लिए हम दोनों को एक साथ कॉफी पीनी चाहिए। जी नहीं, मुझे जाना है। जाने से पहले मेरे लिए बहुत जरूरी कि मैं आपकी कोई ना कोई खातिर करूँ। क्यों? आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए, फ्रेंच मैन अच्छे नहीं होते। पहला तजुर्बा तो ऐसा ही हुआ, दूसरा तजुर्बा होना ही चाहिए। Merci beaucoup. Vous êtes très heureuse d'avoir une telle belle femme. Oui. क्या कहा उसने? कहती है खूबसूरत बीवी किस्मत वालों को ही मिलती। जी? अब परेशान मत होइए, उसने मुझे भी शादीशुदा समझा, हालांकि अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। बात दरअसल ये कि अभी तक मुझे कोई ऐसी लड़की ही नहीं मिली जो कि दौलत की भूखी ना हो। क्या मतलब? अब बुरा बात मानी, लेकिन लड़कियां आम तौर पे बहुत मतलबी होती हैं। हाँ, लड़के होते हैं मतलबी, मैं उनको अच्छी तरह जानती हूँ। जानती होंगी, लेकिन आप फ्रेंच लड़कों को नहीं जानती। कोई खास बात होती है उनमें? जी हाँ, जिसे चाहते हैं उसके लिए जान देते हैं। हाँ, रोमांटिक नॉनसेंस। जिसे प्यार करते हैं कयामत तक उसका पीछा करते हैं। देखिए मिस्टर, अगर आपने मेरा पीछा किया तो अच्छा नहीं होगा। मुझे क्या जरूरत है, आप भी अजीब लड़की, अभी तक आपने मेरा नाम नहीं पूछा, मेरा काम नहीं पूछा। दीवाने में कोई दिलचस्पी नहीं, समझे? Want a lift? Please come in. Thank you. Thank you very much. Deewane ka naam to poocho. प्यार से देखो काम तो पूछो, चाहे फिर न मिलना, अरे चाहे फिर न मिलना, दीवाने का
प्यार से देखो, काम तो पूछो, चाहे फिर न मिलना, अरे चाहे फिर न मिलना। गुस्सा छोड़ो, बात को मानो, इस बंदे को अपना जानो, दूर से धोखा हो सकता था, दूर से धोखा हो सकता था, पास को अब तो अब पहचानो। दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो, काम तो पूछो, चाहे फिर न मिलना, अरे चाहे फिर न मिलना। हट गया आखिर भरम कसाया, अब समझा मैं, अब याद आया, ख्वाब में तुमको अक्सर देखा, ख्वाब में तुमको अक्सर देखा, आज मुजस्सिम सामने पाया। दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो, काम तो पूछो, चाहे फिर न मिलना, आज चाहे फिर न मिलना। ये पैरस की शाम सुहानी, प्यार की नगरी, रूप की रानी, बन के रहेगा कोई अफसाना, बन के रहेगा कोई अफसाना, छिड़ के रहेगी कोई कहानी। दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो, काम तो पूछो, चाहे फिर न मिलना, आज चाहे फिर न मिलना। दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो, काम तो पूछो, चाहे फिर न मिलना, अरे चाहे फिर न मिलना। Deepa. आपकी तारीफ अपने मैनेजर साहब के बेटे हैं मिस्टर शेखर। How do you do? पहली मुलाकात है लेकिन पराया नहीं समझिएगा। डैडी के साथ आपके बिजनेस की देखभाल में मेरा भी हाथ रहता है। मेरा बिजनेस है और मैं दीपा हूँ, ये आपको किसने बताया? मैंने नहीं बताया। दुनिया में दो चीजें ऐसी हैं जिन्हें कोई भी नहीं छुपा सकता, एक हुस्न और दूसरी दौलत, और आप इन दोनों चीजों का जीता जागता मुकम्मल मुजस्मा है। गुस्ताखी माफ। आप काफी दिलचस्प मालूम होते हैं, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। इस वक्त मुझे जल्दी, कल आप फ्री हैं? क्यों? सोचता था कि आपको पेरिस की सैर कराने का मौका मुझे ही नसीब हो। लेकिन कल तो हम पिकनिक पे जा रहे हैं, मैंने अपने दोस्तों के साथ प्रोग्राम बनाया हुआ है। मैं कोई दुश्मन हूँ? जी मेरा मतलब है कि आपके दोस्तों के साथ कल मैं भी पिकनिक में शरीक हो जाऊं। इजाजत है? आपकी मर्जी। थैंक यू वेरी मच, मैं कल सुबह हाजिर हूँ। बाय बाय। नमस्ते।
ये तो काफी चालू मालूम होते हैं, क्या ख्याल है? मेरा सब चालू है, वन एंड ऑल। पर पिकनिक पे सिर्फ लड़कियां आएंगी या? लड़कियों के साथ लड़के तो होंगे ही, मगर उन्हें गोल किया जा सकता है। फिर कर ही देना। I hate boys. छोटो, अरे क्या कर रहे हो? मुझे ना गिराओ। शर्म गई क्या? शर्म नहीं आंधी? बच्चे को गिरा रहे हो? ओए रब्बा, मैंनू नहीं पता, मैंनू नहीं पता। I do not know, not possible. मैंनू छोटो, रब दे वास्ते छोटो। मुझे नहीं मालूम वो लड़कियां कहाँ गई हैं। शर्म नहीं आंधी? कुड़ियों का पीछा कर रहे हो? मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। और तुसी रब दे वास्ते फटो, डोंट बोर मी। सरदार जी, लो जी एक और आ गए। गुड मॉर्निंग मिस दीपा, यहाँ रहती हैं? तुसी कौन हो पापा जी? मेरा नाम सैम है, जाकर बोलो समझ जाएंगे। इतना बड़ा गुलदस्ता देखकर तो कोई भी समझ जाएगा, लेकिन मालकिन पिकनिक पे गई हुई है। हा? मालकिन? आपको दीपा जी से मिलना है? यस यस, मैं उनका ड्राइवर हूँ, सरदार मक्खन सिंह। ड्राइवर? मालकिन वो पिकनिक पे कहाँ गई? बादशाह, ये जानने के लिए 8 dozen आशिक कब से मेरे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन बताना मना है। क्या मतलब? बात यह है, पिकनिक पे 12 लड़कियां भी हैं और ये सब उनके बॉयफ्रेंड्स हैं, और लड़कियां इन्हें गोल करके चली गई हैं। उल्लू है, गधे हैं। जो लड़कियां गोल करके चली गई उन्हें सीधा किया जा सकता है। वो कैसे? पिकनिक पे जाकर। चलोगे मेरे साथ? मेरी तो जान वहां है। कौन? मेरी हनी। नाम लेते ही दिल धड़कने लगा। मरते हो? जितना मरता हूँ उतना ही डरता हूँ, मामला जमाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मामला जमता नहीं है, मैं जमा सकता हूँ। चलो मेरे साथ। पापा जी, तुसी मेरे वास्ते परमात्मा हो। ओ बल्ले 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 बल्ले। इन्हें आप संभाल के रखिए, जरूरत होने पर मैं मांग लूंगी। ऑफिस के सेफ में रख देता हूँ। और सुनिए, आज से मैं बिल्कुल गरीब हूँ। ये फ्लैट हनी का है और मैं इसकी नौकरानी हूँ। जी। अगर मेरे बारे में कोई पूछे तो यही बताइएगा। मगर ये एक राज की बात है अंकल, जो आपको नहीं बताई जाएगी। टॉप सीक्रेट। अब आप जा सकते हैं। ओ, जाता हूँ। हनी, मक्खन से की बहुत देर लगा दी। आ गया जी। पेरिस का गली कूचा छान मारा, तब जाके हिंदुस्तानी नौकरानी की पोशाक का प्रबंध हो सका। गुड, मैं जरा इसको ट्राई करके देखती हूं। क्या सुनियो, तुम भी कुछ ट्राई करो ना। क्या? मेरा मतलब है मेरा इश्क। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। पको मत, वरना नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे। हाय हाय, तुम्हारे लिए तो मैं जिंदगी से भी हाथ धोने को तैयार हूँ। देख मेरा प्यार, मैं तेरे वास्ते की ला लिपस्टिक। लिपस्टिक? हाँ, इसे अपने हाथों से होटल बन जाओ। काश कि मुझे पहले मालूम होता कि एक ही पटाखे के बाद तुम मुझे इतना चाहने लगोगी, मैं कम से कम 1 dozen पटाखे लेके आता। फंगे बदमाश, तेरी ये मजाक, मैं भी तेरा पटाखा फोड़। क्या कर रही है? अच्छा पहनो। ओए होए, I think she likes me more now. Hello daddy. Shekar, ये क्या है? डैडी, ये आपने ज्वेलरी का काम कब से शुरू कर दिया? वापस रख दो इसे। असली हीरे और मोती? ये हमारी मालकिन के जेवर। मालकिन? हाँ, दीपा, जो पेरिस की सैर करने आई। रियली? डैडी, मैं उसे अच्छी तरह पेरिस की सैर करवा दूंगा, बस आप मेरे उसे इंट्रोडक्शन करवा दीजिए। कभी नहीं, तुम इस लायक नहीं। और फिर मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना? जरूरत आ पड़ी है डैडी। क्या? मुझे 2 lakh rupees चाहिए। 2 lakh? हाँ, कर्जा चुकाना है। शराब और जुए का? डैडी, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। मुझे उससे कोई वास्ता नहीं। लेकिन मुझसे तो है, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ। ये रिश्ता उसी वक्त खत्म हुआ जब मुझे तुम्हारे काले कारनामों का पता चला। प्लीज डैडी, आपको मेरी मदद करनी होगी। आपके पास लाखों की दौलत है। वो दौलत दीपा के पिताजी की है, मैं सिर्फ उनका मैनेजर हूँ। डैडी, मुझे अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे। शेखर, मुझे एक जुआरी और शराबी के साथ कोई हमदर्दी नहीं। तुम जा सकते हो। ओके डैडी। ओए, ओए,
मैं क्या पुले बादशाह उधर किधर देख रही हो, मैं तो इधर हूँ। तुम यहाँ कैसे? मैंने तो तुम्हें दीपा को ढूंढने के लिए भेजा था ना। यू आर राइट, मैं आईफिल टावर के ऊपर चढ़कर उन्हें ढूंढ रहा था, ऊपर से तुम्हें देखा, धड़ से नीचे आ गया। इडियट, लेकिन वो गई कहाँ? मैं बताऊं, वो गई है अपने सच्चे आशिक की तलाश में। Venice has come back to life. Oh, delicious. The smile of Mona Lisa. Are you from China? No, from India. India, Delhi, Taj Mahal, Himalayas. I am French. I cannot speak French. Oh, I little English, little Hindustani bola sakta. Hindustani? Okay. Vivi, ek Indian boy, amra dost. Okay. How wonderful. Kya naam hai aapka? Naam? Name? Oh, Louis, okay? Mera naam Deepa hai. Oh, Deepa, khubsurat. Married? Mm-hmm. Boyfriend? Mm-hmm. Love? Mm-hmm. Khubsurat larki, shaadi nahi, mohabbat nahi. Kya baat? Baat ye hai, India mein ladke log shaadi ke liye daulat mangte hai. Daulat? Money, Frank. No money, no love. नहीं, वो सब दौलत के भूखे हैं। भूखे? Flowers? No, झूठे, धोखेबाज। झूठे, धोखेबाज? Please say it in English. Liars, cheats. No. नहीं, me Frenchman, true lover. Okay? क्या? You खूबसूरत, me मोहब्बत. Okay? मैं बहुत गरीब हूँ। गरीब? Very poor. No money. Good. I'm be garib. Mama nahi, papa nahi. Okay? Aapki shaadi nahi hui? Shaadi nahi. I'm tum shaadi. Ab main jaati hu. Jaati? Kalati? Aati. Hum bhi aata. Tata. Di-di-di-pa, 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 di-di-di-pa. इंजन का प्रॉब्लम था, जल्दी। क्या मानता? कोपरा, ट्रेस, हम इंडियन महाराजा बनेगा। इंडियन महाराजा? बीबी। तेरा दिमाग तो ठीक है? ठीक नहीं। तुमसे हिंदुस्तानी सीखा। खूबसूरत इंडियन लड़की मिला। हमको मोहब्बत हो गया। ओके? वाह। क्या नाम है उसका? दीपा। आप देखा? दिलदार का। शादी करेगा। ओके? शादी? उसे कोई हिंदुस्तानी लड़का नहीं मिलता? हिंदुस्तानी लड़का दौलत का भूखा। कौन बोला? दीपा बोला। सब झूठे धोखेबाज। ओके? कौन है ये बदतमीज लड़की? कुछ नहीं, ये तो बता, वो उसमें फिर कब मिलेगी? टुमारो मॉर्निंग। दमता फिर मिलेगी तो ठीक करूंगा। सैम, हमको इंडियन महाराजा। ओके, लेट्स गो।
मैडमोजेल। दीपा, कुश, कुश। कौन है आप? इंडियन महाराजा, हिंदुस्तानी लड़की, दोनों शहरी, ओके? Excuse me, Mr. Lutle. Are these all your children? शादी में रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। समझ में नहीं आता आखिर ये कैसे टूटा। इब्ने बतूता खुदा ने लूटा नालायक छूटा। पापा जी फटैंग फटैंग। पापा जी मैंने इन्हें नहीं बोला, ये अपने आप जादू से आया। लेकिन ये है कौन? दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर। हुक्कू पाशा, तुम्हारे चेहरे पे नूर जैसे जन्नत की हूर। तुम्हारा नाम? दीपा। क्यों था पीपा? झूठ बोलता है ये, कोई 420 है। ये रबा खुदा, बाज बाज बाज, तू कौन? हाँ, चिड़ी का छक्का, बेईमान छक्का। यू रास्कल, शट अप। शेखर पापा जी, इस जादूगर से मत लड़िए, ये आपको कुत्ता बना देगा। शट अप, मैं किसी जादूवाद में यकीन नहीं रखता। लेकिन मैं तो रखता हूँ। आप तो बड़े पहुंचे हो मालूम होते हैं। मेरे दिल की बात बता सकते हैं? पत्ता खींच बच्चा। हुक्म का गुलाम। मगर किसके हुक्म का? जिसके कदमों में पत्ता जाकर गिरे तू भी गिर जा। ओए, 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 ओए। ए, ये क्या है? हुकुम का गुलाम। हुकुम पाशा को सलाम। मक्खन सिंह। माफ करना। पिकनिक का सारा मूड खराब कर दिया। चलिए किसी और जगह चलें। मैं बस लेकर आता हूँ। अब भी वापस आएगा। हवा निकाल दी चारों टायरों की। देखो देखो देखो। What's this? 12 बॉयफ्रेंड्स, 12 लड़कियां, 12 लड़कों को कॉल करके यहाँ आई हैं। वो लड़के इस वक्त कहाँ, बता सकते हो? बता ही नहीं सकता, उन्हें हासिल कर सकता हूँ अभी यहीं पे। नॉनसेंस, ये लड़की मुझ पे यकीन नहीं करती। पटैंग, पकड़ो। ओए, थोड़ा पारिये।
माशूक के साथ चले गए, तुम्हारा आशिक। कहाँ? कोई नहीं। झूठ फटाएंगे, तुम्हारा आशिक तुम्हारे सामने। क्या कहा? सच कहा। मिस्टर सैम, एट योर सर्विस। फाइन, वंडरफुल। लेकिन आपकी बेहुदा हरकतों से पहले मालूम हो जाना चाहिए था कि आप। असली आशिक वही होता जो हर रोज हर जगह किसी भी देश में किसी भी भेष में अपनी महबूबा से मिलता रहे। यही हो, शक्ल से मालूम नहीं होता। मान गया पापा जी, थोड़ी जादूगरी अपनी शक्ल ही बदल दी। तो तुम्हें मालूम था ये कौन है? परमलाल दीपा जी, मुझे तो अभी भी नहीं मालूम कि ये कौन है। मालूम करने की जरूरत ही नहीं, ये जानती है मुझे कि आप उसका मामला। क्या मुसीबत मक्खन सिंह, यहाँ कहीं पंप मिलेगा? पेट्रोल पंप? पेट्रोल पंप नहीं, हवा भरने का पंप। किसी बदमाश ने चारों पहियों की हवा निकाल दी। वो कुपाशा का करामात। लेकिन हम लोग वापस कैसे जाएंगे? शहर तो यहाँ से बहुत दूर है। मक्खन सिंह, किसी सवारी का इंतजाम करो। सवारी? यहाँ तो घोड़ा भी नहीं मिलेगा। ठहरो, मैं हुक्कू पाशा को मस्का लगाता हूँ। शुतुमर पापा जी, हमारी आप कुछ मदद कर सकते हैं? हम सवारी पैदा कर सकते हैं। ये ना बकवाद बदल शिच बाज 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 फटांग, सवारी पैदा हो गई, आओ मेरे साथ। ये ना बकवाश तीस्ता ना बाज 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 फटांग। देखो, ओए जादू चमत्कार। ओ पापा जी, तुम जादूगरों के खुदा हो खुदा। बैठो दीपा जी। मैं इनके साथ नहीं बैठूंगी। ओए ओए, तुम मेरे साथ बैठ जाइए। कार हो या स्कूटर, ये फर्क पड़ता है? मैं आपका ड्राइवर हूँ, आइए बैठिए। चल कुड़िया बैठ जा। मैं कहाँ बैठूं? ओए ओए, कोई गल नहीं, तेरा प्राय है। लेकिन मेरा क्या होगा? वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। तुमसे कल भी सामना, कल तो जानोगे। दिल वाला ना चीज है कोई, तब तो मानोगे। होगा तुमसे कल भी सामना, कल तो जानोगे। दिल वाला ना चीज है कोई, तब तो मानोगे। होगा तुमसे कल भी सामना, कल तो जानोगे। दिल वाला ना चीज है कोई, तब तो मानोगे। मौसम हवा प्यार का ये समा मेरे साथ है। मंजिल है मेरी घड़ी, तो घड़ी की ये बात है। मौसम हवा प्यार का ये समा मेरे साथ है। मंजिल है मेरी घड़ी, तो घड़ी की ये बात है। होगा तुमसे कल भी सामना, कल तो जानोगे। दिल वाला ना चीज है कोई, तब तो मानोगे। होगा तुमसे कल भी सामना, कल तो जानोगे। दिल वाला ना चीज है कोई, तब तो मानोगे। हो चाहे जिधर से जाऊं मैं, बेहतर है घर पे बुला लो, बता तो कब आऊं मैं। राहों में मिलते हो चाहे जिधर से जाऊं मैं,
बेहतर है घर पे बुला लो, बता दो कब आऊं मैं। होगा तुमसे कल भी सामना, कल तो जानोगे दिल वाला नादिर है कोई, तब तो मानोगे। होगा तुमसे कल भी सामना, कल तो जानोगे दिल वाला नादिर है कोई, तब तो मानोगे। थैंक यू हनी, मैं कब से चाय के लिए तरस रही थी। चाय के लिए या किसी और के लिए? मतलब? मेरा मतलब है कि मिस्टर सैम के बारे में क्या ख्याल है? बदतमीज जंगली जानवर। जो भी कहो, तुम्हें चाहता बहुत है, वरना इस तरह हाथ धोकर पीछे नहीं पड़ता। कोई पीछे पड़ गया और मोहब्बत हो गई, अक्सर हो जाती है। नॉनसेंस, तुम समझती हो जहाँ मैं जाऊंगी वो मेरा पीछा करेगा? मुझे तो यकीन है। देखती हूँ। हेलो हेलो, कौन चाचा जी? मैं दीपा बोल रही हूँ, अब जल्दी यहाँ आ जाइए, बहुत जरूरी काम है। चाचा जी, कुछ सोचा? सोच रहा हूँ, जब पेरिस में भी तुम्हारा दिल नहीं लगता। पेरिस में? अब तो मैं पेरिस में एक दिन भी नहीं रहना चाहती हूँ। तो फिर वेनिस, रोम, कायरो? चाचा जी, मैं घूमने फिरने और दिल बहलाने से तंग आ गई, अब मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो कल से ऑफिस में आके बैठो, लाखों का कारोबार है। बिजनेस? यस। मैं बिजनेस करने रुपए कमाना नहीं चाहती, मैं कोई नेक काम करना चाहती हूँ जिससे लोगों का भला हो, इंसानियत का फायदा हो, ये भी कोई जिंदगी है। ठहरो बेटी ठहरो, मुझे जरा सोचने दो। एयर होस्टेस? नहीं। मॉडलिंग? नहीं। स्विट्जरलैंड? स्विट्जरलैंड? हाँ बेटी, अगले हफ्ते वहाँ एक इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल होने वाला है। हर एक मुल्क की रेड क्रॉस सोसाइटी अपने वॉलंटियर्स वहाँ भेजती है। वहाँ के डायरेक्टर से मेरी जान पहचान है, तुम चाहो तो इंडियन ग्रुप में शामिल हो सकती हो। मौका अच्छा है, लोगों का भला और इंसानियत का फायदा भी होगा। वंडरफुल आइडिया, तो फिर आप जल्दी मेरे जाने का बंदोबस्त कर दीजिए। कल सुबह तक सब अरेंजमेंट हो जाएगा। गुड नाइट। गुड नाइट। तो सब जवानी जवान नजर आते हैं, कोई बुढ़ा नजर ही नहीं आता। ये जवानों का जलसा है बेवकूफ, यूथ फेस्टिवल। तो साड़ा भी जलसा हो जाए। What? मेरा मतलब है मैं भी जवान हूँ, तुसी भी जवान हो। Shut up! चुप करा दो, मगर इतना बता दो कि जवानों के जलसे में जवानी जले तो जवानी का फायदा क्या? ये लोड़े जवानी थी। दसवीं वो आ गया। सैम! और छोटे सैम नो। हाय हाय, टेलीग्राम भेजने का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन वो है कहाँ? इंडियन रेड क्रॉस के सेक्शन में। हाँ, हम लोग होटल बेलवीडियर में ठहरे हैं। ओके ओके। हाय मक्खन सिंह। अच्छा, फिर मिलेंगे। अच्छा। अब समझा, तो इसने दो दो चक्कर चला रखे हैं, लफंगा कहीं का। क्या मतलब? मालकिन को चाहता है और तुमसे कहता है फिर मिलेंगे, तेरा प्यो मिलेगा। इडियट, मैं उसकी मदद कर रही हूँ, मैंने ही तो टेलीग्राम देखो उसको बताया है कि दीपा यहाँ है। Thank you.
can't see a thing. I am going blind. Look. Tim. Yeah. जब से एक लड़की को देखा और कोई नजर ही नहीं आता, न जाने कौन सी बीमारी है। मुझे मालूम है, बेशर्मी। अच्छा, इलाज है आपके पास? जी हाँ, इसका एक पेटेंट इलाज है, मैं भी करती हूँ। हेलो, मैं स्पीक टू द मैट्रन प्लीज। हेलो मैट्रन, मैं दीपा बोल रही हूँ, अब अभी पुलिस लेकर यहाँ आई है, जल्दी। Make some money? Sure, I do. Okay, yeah. I'll give you a dollar. Hit me on the shin. Are you mad or something? Yeah, I'll give you a dollar. Kick me on the shin. Oh! Oh, yeah, yeah, bum! What did you hit me with? Oh, no! तुम काम करो अपना. मेरा ख्याल है, वो फिर नहीं आएगा. मुझे यकीन है, sister. वो जरूर आएगा. Help! 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 सचमुच लग गई. I promise you, mother. सचमुच. Help! 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 सचमुच लग गई. Hey, mister. खड़े हो जा. अब खड़ा नहीं हो सकता मैं, mother. बहुत जोर से लगी है. कहाँ? दिल के आसपास? बहुत नीचे यहाँ टांग में. Look on my shin bone. यही है वो आदमी? हाँ, मगर क्या, ये जख्म देखा नहीं तुमने? अटेंड करो ठीक से. थैंक यू इट्स ऑल राइट, इट्स माय ड्यूटी. रो स्वीट हार्ट. देखिए अच्छी तरह देखिए और समझिए कि मेरी देखभाल करना आपका फर्ज है, आपकी ड्यूटी है, आपका धर्म है, कर्म है, जिसके लिए मेरी हालत नरम है. आपने तो मेरे जख्मों पर नमक छिड़क दिया. मार डाला, बड़ी जलन हो रही है जी. ठीक हो जाएगी. कब? मैं आपके जख्म की बात कर रही हूँ मिस्टर सैम. मैं दर्द की बात कर रहा हूँ मिस दीपा, लेकिन आप किसी के दर्द को क्या जाने. हाय मिस्टर. हाय. यू वांट अनदर केक? ए, एक्सक्यूज मी. ओ यू बम, तुझे भी अभी आना था? Hello. You kicked him, didn't you? Yes, I did. मजा आ गया, मिल गई. Thank God. आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया. ये भी आने का रास्ता है? मैंने सोचा अगर मैं आने के रास्ते से आता और तुम यहाँ से गोल हो जाती तो क्या? तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती, फिर रात हो जाती और दिल की बात दिल में ही रह जाती. कौन सी बात? बस इतने ही आगे मेरा ट्रक रुक जाता है. कहना चाहता हूँ लेकिन कह नहीं सकता, कहते हुए मेरी जुबान टूट जाती है. अरे हनी, गल सुन, वो सामने देख रही है क्या? वो छोटा बाबा है ना, अंग्रेज का पुत्र. हाँ है तो. जानती हो जब वो एक दिन बड़ा होगा तो क्या करेगा? क्या करेगा? वो एक दिन जवान होगा मेरी तरह. अच्छा. उसे एक लड़की मिलेगी तुम्हारी तरह. अच्छा. फिर दोनों की जान पहचान बढ़ेगी और बढ़ेगी, खूब बढ़ेगी. उस फुग्गे की तरह. आगे क्या होगा वो मैं समझ गई. समझ गई? फिर सानू भी दस है? सब खत्म इस बैलून की तरह. ओए अंग्रेज दे पुत्र. अरे और नटखट बालक, इतनी देर से मैं क्या झक मार रहा था? थोड़ी देर और नहीं फुला सकता था? ए मौके पर फाड़ दिया, चल फुटे तो भजे.
शर्म कही गए आंधी सारा मेरा कुंडा कर दिया। हेलो दीपा जी। अरे आप यहाँ कैसे? आप यहाँ लोगों का इलाज करने चली आई और मैं खुद बीमार होकर चला आया। बीमार? क्या बीमारी है आपको? जी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो दिखाई देती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो कि दिखाई नहीं देती और जो दिखाई न दे वो बहुत खतरनाक होती है। विश यू ऑल द बेस्ट। सुनिए क्या प्रोग्राम है आपका? अभी तो ड्यूटी से आ रही हूँ, सोचती हूँ जरा रेस्ट कर लूँ। लीजिए यहाँ कोई रेस्ट करने आता है? जंग फ्रॉ देखा है आपने? यंग फ्रॉ? जी हाँ, वर्जिन गर्ल, कुंवारी लड़की। क्या मतलब? यहाँ एक पहाड़ी का नाम है, बड़ा ही खूबसूरत मकान, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। आप ड्रेस चेंज कर लीजिए, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। ऑलराइट, अभी आती हूँ। Come, come, let's get down here. Come on. Yeah. Oh, oh. Come, come on, get up. रस्सी से बच के। Come on, skiing. Skiing? नहीं बाबा, मुझे नहीं आता। मैं सिखा दूँगा, मैं सिखा दूँगा। नहीं बाबा, नहीं, मैं तो नहीं करूँगी। अरे, यहाँ पर भी प्लेन? क्यों नहीं? Oh, I want to go for a joyride. मैं उड़ना चाहती हूँ। मगर ये तो किसी का प्राइवेट प्लेन है। मुझे कुछ नहीं मालूम, आप कुछ बंदोबस्त कीजिए ना। मैं मगर प्लीज कीजिए ना। करता हूँ, आप यहीं ठहरिए, मैं अभी आया। Why not? क्या दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम्हारी सूरत नजर ना आए? ऐसी एक जगह जरूर है। कौन सी? आपका दिल। ये तुम्हें मालूम है ना? हाँ, कि उसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं, लेकिन मैं ये बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, क्योंकि बचपन में स्कूल में यही सीखा था कि try and try again, boys. You will never succeed. Hey, देखते हैं। अकेले 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 कहाँ जा रहे हो? अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? मिट रहा है तुम्हें कुछ पता है? कोई मिट रहा है तुम्हें कुछ पता है? तुम्हारा हुआ है तुम्हें कुछ पता है? तुम्हारा हुआ है तुम्हें कुछ पता है? ये क्या माजरा है तुम्हें कुछ पता है? अकेली अकेली कहाँ जा रहे हो? हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो?
छोड़ो मेरी जान हो तुम, तड़पता न छोड़ो मेरी जान हो तुम, ये मुखड़ा न मोड़ो मेरी जान हो तुम, ये मुखड़ा न मोड़ो मेरी जान हो तुम, मेरा दिल न तोड़ो मेरी जान हो तुम। अकेली अकेली कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो, अकेले अकेले कहाँ। लेगा तो फिर क्या करोगे, कोई रोक लेगा तो फिर क्या करोगे, कदम थाम लेगा तो फिर क्या करोगे, कदम थाम लेगा तो फिर क्या करोगे, खुशामद करेगा तो फिर क्या करोगे। जा रहे हो हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो, अकेले अकेले जहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, अकेले कहाँ जा रहे हो, रहे हो, रहे हो। हेलो, आओ दीपा। कहिए कहाँ रह गई थी आप? जी मैं रास्ता भूल गई। किसी से पूछ लिया होता? जी पूछा था, लेकिन यहाँ के लोग अंग्रेजी बहुत कम जानते हैं, इसीलिए कहा ना कि हमेशा मेरे साथ रहा करिए। खैर कोई बात नहीं। अरे आप तो कांप रही हैं। जी हाँ, ऊपर बहुत सर्दी थी और हवा चल रही थी। आपके हाथ तो बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं, बीमार होना क्या? चलिए चलिए जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, चलिए आइए। Excuse me, हम लोग कहीं मिल चुके हैं? हो सकता है। आपका नाम? सैम। मुझे शेखर कहते हैं। How do you do? कुछ खो गया है? जी ऐसे लगता है बड़ी बेचैनी से किसी चीज को ढूंढ रहे। ऐसा लगता है कि आपको दूसरों के प्राइवेट मामले में दिलचस्पी लेने की आदत है। हा? सिर्फ दीपा के मामले में। मतलब? आइंदा उससे दूर रहिएगा। क्या? क्योंकि मैं उसके करीब। मोहब्बत करते हैं? बहुत ज्यादा। तो आइए हाथ मिलाइए, जो मैं भी उसे बहुत चाहता हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। अपनी जान से ज्यादा कोई भी किसी को नहीं चाहता, क्योंकि हर शख्स को अपनी जान सबसे ज्यादा अजीज है। क्या राय है आपकी? मेरी राय में मेरे और दीपा के मामले में उसके पिताजी के नौकर के लड़के का दखल देना ठीक नहीं। मिस्टर सैम। शट अप। हेलो दीपा। हेलो शेखर। हेलो दीपा। बैठ। अब भी लग रही है सर्दी? जी हाँ। थोड़ी ब्रांडी पी लो, बिल्कुल गायब हो जाएगी। One brandy, please. अच्छी हिंदुस्तानी लड़की कभी शराब नहीं पीती। शेखर, will you please tell him to mind his own business? Sure. English समझते हो ना? Thank you. ये लो, एक घूंट में पी जाओ दवा समझ कर। लेकिन मैं तो दीपा मत पियो। Good. बस अब थोड़ा डांस करो जिससे महरारत आ जाएगी। डांस? मुझे तुमसे कुछ कहना है। शेखर, let's go and dance. Come on. Thank you.
रहे हैं पापा जी, तुसी भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूं। ये चमगादड़ कैसे चिपक गया मालकिन के साथ? क्या पिला रहा में आओ। सैम, तुम मुझे चाहते हो ना?
You love me, Sam? Oh, Rama. Oh, one day. Funny, उसके वापस आने से पहले यहाँ से निकल चलो। आप चलिए, मेरा कुछ और प्लान है। तुम जानते नहीं, वो बहुत खतरनाक आदमी है। अरे जान भी दे, वो अगर सांप है, मैं नेवला हूँ। आप इन्हें ले चलिए, मैं उसे पन के आता हूँ। रामलाल, रामलाल, रोटिंगा जाए रामलाल। Can I do something for you, sir? Where are they? I beg your pardon, sir. Somebody phoned me from here. I haven't seen anyone. But you're here all the time. Of course, sir. I'm on duty. Oh, hell. Thank you. Deepa. Deepa. Posh mein aao, Deepa. Mere khayal mein inhe apne kamre mein pahuncha dena behtar hoga. Mera khayal hai inka isi kamre mein rehna behtar hai taaki subah jab inhe hosh aaye to inhe maloom to ho ki aaj raat in par kya kya guzarne wali thi. Ji. आप भी सो जाइए, मैं पहला देता हूँ। शेखर, तुम? हेलो जैक, हाउ डू यू डू? रुपया किधर है? कह तो दिया ना, एक महीने के बाद दूंगा। कहाँ से देगा? शादी करके। What? हाँ, एक लखपति की लड़की से, कुछ ही दिनों की बात है। मजाक करता है। नहीं, सच कह रहा हूँ, यकीन करो। किधर है वो? इसी होटल में। हम उसे देखना मांगता है। अच्छी बात है, लेकिन दूर से। रात जो कुछ हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। तुमने जो कुछ किया उसके लिए हमेशा एहसानमंद रहूंगी। फिर कभी तुम्हारे सामने ना आ सकूंगी, इसलिए जा रही हूँ तुमसे बहुत दूर, बहुत नजदीक आकर। यह खत मेरे चले जाने के बाद तुम्हें मिलेगा। गुड बाय सैम। आना जल्दी। सूजी यहाँ कैसे? मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। हाय बेबी। व्हाट? सूजी डार्लिंग। चलो चलो देखो। इम्पॉसिबल। चिको, ये सूजी नहीं है। सूजी? सूजी कौन? हमारे कैसनो की डांसर। लेडीज एंड जेंटलमैन, we shall now present to you the most fascinating item of the day, Miss Suzy, the Oriental dancer. Benizisi, 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 benizisi,
ले जा मेरा दिल तेरी दुनिया तेरी महफिल सब से सनम बैठे थे हम लेके धड़कता दिल अगर अपनी आंखों से नहीं देखता तो कभी यकीन नहीं करता। अब मैं सुजी देख के कह सकता हूँ कि वो लड़की सुजी नहीं थी। कौन सी लड़की? डार्लिंग, जिनेवा मैंने एक लड़की देखी, हूबहू तुम जैसी, बिल्कुल तुम्हारी शक्ल। इम्पॉसिबल। दुनिया में सुजी सिर्फ एक है और वो तुम्हारी। थैंक यू डार्लिंग। सुजी दूसरे की नहीं हो सकती। आई गो एंड चेंज एंड वेट फॉर मी। दैट्स माय गेट। ओके। दूसरी लड़की कौन है? दीपा, मेरे डैडी के बॉस की बेटी। मिस्टर मलिक की बेटी? तुम जानते हो उसे? नहीं। हाँ, इतना जरूर जानता हूँ कि उनके पास जरूरत से ज्यादा दौलत है। ओह आई सी। दीपा उनकी इकलौती बेटी है? हाँ। तुम उससे शादी करके उसका पैसा खाना मांगता है? नेचुरली। यू फूल। दीपा इस वक्त कहाँ है? बेरूत। जगो, एक करोड़पति की बेटी को जिंदा वापस करने की कीमत? $10,00,000। गुड, तुम फॉरन बेरूत जाओ और तुम्हें क्या करना तुम जानते हो। ओके बॉस। ठहरो, आखिर तुम लोग करना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, सिर्फ दीपा को किडनैप करेगा, उसके बाद उसके बाप सौदा करेगा, समझे? मक्खन सिंह अभी तक नहीं आया? हाँ, नजर तो नहीं आता कहीं। आ गया जी। स्पीडबोट का इंतजाम कर लिया? नहीं मिलती जी, इतने तक कानून है कि जिसे वाटर स्कीइंग नहीं आती उसे स्पीडबोट नहीं मिल सकती। किराए पर नहीं मिलते तो खरीद लो। और बहन जी, तुझे समझते नहीं, समुद्र में जाने के लिए क्लब की परमिशन चाहिए और वो एक ही सूरत में मिल सकती है कि साथ में कोई इंस्ट्रक्टर होना चाहिए।
तो जाओ इंस्ट्रक्टर को ढूंढ के लेके आओ। घोड़े लाया जी। दीपा, आखिर ये सिद्ध क्यों? कितनी तेज रफ्तार होती है स्पीड बोट की? तेज रफ्तार की मुझे जरूरत है, तेज, बहुत तेज। इतनी तेज कि मैं सबको पीछे छोड़ दूं, दूर, बहुत दूर निकल जाऊं, सिर्फ सैम को भूलने के लिए। अजीब हो तुम भी, सच्ची मोहब्बत को तलाश करती रही और जब सैम मिल गया तो उससे दूर जाना चाहती हो। हेलो, हाँ हमें चाहिए इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर? अरे पुलिस इंस्पेक्टर नहीं, इंस्ट्रक्टर, वाटर स्कीइंग सिखाने वाला। छेती 5 मिनट में। ओके वेटर, जरा लस्सी ले आई यार। इतनी तेज रफ्तार स्पीड बोट की ना बाबा, मैं नहीं कर सकती। चित बुजदिल कही की। दीपा जी, दीपा जी, गुड लक, यहाँ भी हमारे वतन का इंस्ट्रक्टर मिल गया है, मिस्टर सैद। आपनी बंगाली? जी नहीं। आप? आमी दीपक सेन, स्विमिंग चैंपियन। प्लीज टू मीट यू। शक्ति, धन्यवाद, वेरी प्लीज टू मीट यू। थैंक यू। मिस्टर सेन, वाटर स्कीइंग सीखने में कितनी देर लगती है? हमरा माफिक एक्सपर्ट सिखाने वाला होने से सिर्फ 1 घंटा। ओए, 1 घंटा? मैं 1 मिनट में बोट लेके आता हूँ। खोलो, खोलो तो, खोलो, 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 खोलो। आहा, हा, 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 वेरी फाइन फिगर, वेरी फाइन फिगर। कमर खूब पतला तो। मिस्टर सेन, इंस्ट्रक्टर से लज्जा करने से काम नहीं चलेगा, हम सब देखता है, चेहरा, फिगर, दिल, दिमाग। तुम किसी से प्रेम करता है? क्या मतलब? मतलब ये कि प्रेम करने वाला स्विमिंग करना नहीं सकता, उसकी आंख में प्रेमी का चेहरा स्विमिंग करता रात दिन। Shut up, चले जाइए यहाँ से। तुम गुस्सा करता, मतलब ये कि तुम्हारा प्रेम में कुछ घोटाला आच्छे। हम तुमको स्विमिंग वुमिंग नहीं सिखाएगा, हम तुमको सिखाएगा सबक, प्रेम का सबक। मिस्टर सैम, पास में आओ, आओ जी, आओ, आओ जी, आओ, पास में, आओ पास में लगाओ। फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, जा, जा। ओ जाना, कहो प्यार है तुमसे, जा, जा, जा। कर लो आज, कर लो इकरार प्यार का हमसे तुम। सीखो जरा सीखो अंदाज प्यार का हमसे तुम, कर लो आज, कर लो
इकरार प्यार का हमसे तुम आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ वो दिखलाने कहो प्यार है तुमसे जा जा वो जाना कहो प्यार है तुमसे जा 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 नजराना मैं अपने प्यार को लाया हूँ दिल पर तेरी खातिर मैं चांद छोड़ कर आया हूँ देने नजराना मैं अपने प्यार को लाया हूँ आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने है तस्वीर यार की लाया हूँ वो दिखलाने कहो प्यार है तुमसे उसले वो जाना कहो प्यार है तुमसे तुम बिसले तेरा बाहों से बांध ले जाऊंगा साया मैं तेरा तेरे साथ साथ ही आऊंगा आशिक मैं तेरा बाहों से बांध ले जाऊंगा आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ वो दिखलाने कहो प्यार है तुमसे ओ जाना कहो प्यार है तुमसे कहो प्यार है तुमसे हाँ ओ जाना कहो प्यार है तुमसे हाँ हाँ कहो प्यार है तुमसे कहो ना ओ जाना कहो प्यार है तुमसे हाँ हाँ है कहो प्यार है तुमसे ओ जाना कहो प्यार है तुमसे हाँ हाँ अब ऊपर क्या देख रहे हो वो दोनों तो गए और हम दोनों को सबक सिखा गए जो लड़की प्यार से न माने उसे भगा के ले जाना चाहिए मक्खन सिंह चलो वापस चलो ओए आज नहीं रुकता मक्खन सिंह मशूक मेरे साथ है बोट मेरे हाथ है दिल में अरमान है जिगर में तूफान है हैया हो चलो जल्दी कर बोट लेके भागे तो ओए कुछ नहीं मक्खन सिंह आज बड़ा मूड में चलो चल दे आज तो मजा आ गया आजा हनी मौसम है फनी मुझे इस भयानक जगह पे क्यों लेके आए भयानक ऐसे रोमांटिक स्पॉट पे तुम्हें लाने का मैं तो बचपन से ही ख्वाब देख रहा था
चारों तरफ सन्नाटा, इतने कोई नहीं मारेगा मैनू चाटा, सिर्फ मैं और तुम मोहब्बत में गुम। ए उल्लू के तुम कौन है बे? उई वो दूसरी लड़की कहां गई? तुमको क्या करना है, तुम मामा लगना है? मक्खन सिंह उसके हाथ में पिस्तौल है। बच्चों वाली पिस्तौल है, पटाखा छोड़ने वाली, अभी फटाता हूं इसको, चलो। उई ओ कहां है मेरा छोटा पत्थर? मक्खन सिंह क्या हुआ, क्या हुआ मक्खन सिंह? ओए तुम्हारी पिस्तौल असली है तो फिर चलाओ गोली, लेकिन सानू जरा बचा के। मक्खन सिंह कैसे जाने क्या कर रहे हो? गोली ओए ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? मैं क्या, एक गोली चली तुमने मुझे दौड़ के झप्पी मार ली, 10-15 गोलियां चल गई मेरी तो किस्मत खुल जाएगी। ओ बल्ले 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 ओए एक ही हो गया। ओए सीधी तरह बता दो वो लड़की हमें कहां मिलेगी, जल्दी बोलो वरना छूट कर दूंगा। पेरिस पेरिस बॉडी इतो पिस्तौल हटाओ और सीधा पेरिस फट जाओ। देखा तुमने? चलो यहां से। इसमें शर्माने की क्या बात, ये तो यहां का रिवाज, लड़का लड़की से मिलता है, मोहब्बत होती, लड़का प्रपोज करता है, एंगेजमेंट रिंग पहनाता और फिर क्या ख्याल है? पहले लड़का प्रपोज करता है, उसके बाद एंगेजमेंट रिंग पहनाता है, फिर ओह yeah, I'm sorry, Miss Deepa. Deepa, darling, Deepa. Will you marry me? I don't mind. आसान कर दी मुझ पर साहब। ये देखिए, खास और खास आपके लिए लाया हूँ। अब वो? नहीं। क्यों? मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ और हिंदुस्तानी रिवाज के मुताबिक वो वो शादी के बाद, यानी शादी बहुत जल्दी करनी पड़ेगी। खैर कोई बात नहीं, तब तक अभी से, अरे अभी तो शाम को आतिशबाजी देखनी है, सारी रात सड़कों पे गुजारनी है। क्यों? यहाँ लोग रात को सोते नहीं, नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं। और तुम्हारा क्या इरादा है? जो तुम्हारा दिल चाहे। मेरा दिल? वो तो तुम्हारा हो चुका है। और मेरा दिल? वो मैं नहीं बताऊंगी। लेकिन मैं बताऊंगा, सारी दुनिया को बताऊंगा, चिल्ला के बताऊंगा। हाँ क्या बताओगे? मेरा दिल है तेरा, तेरा दिल है मेरा। मेरा दिल है तेरा, तेरा दिल है मेरा। जब से हमने दिल बदले हैं सारा जग बदला, जब से हमने दिल बदले हैं सारा जग बदला।
जाने कब से दिल था आस लगाए, जाने कब से तरस रही थी आंखें प्यास जगाए। हाय आज की खातिर जाने कब से दिल था आस लगाए, जाने कब से तरस रही थी आंखें प्यास जगाए, जाने कब से तरस रही थी आंखें प्यास जगाए। मेरा दिल है तेरा, तेरा दिल है मेरा, जब से हमने दिल बदले हैं सारा जग बदला, जब से हमने दिल बदले हैं सारा जग बदला। पागल ठहरा और भी पागल हो जाने दो, दो दिल को हर प्यार की दीवानी दुनिया में खो जाने दो, दो दिल को पागल ठहरा और भी पागल हो जाने दो, दो दिल को पागल ठहरा और भी पागल हो जाने दो, दो दिल को। मेरा दिल है तेरा, तेरा दिल है मेरा, जब से हमने दिल बदले हैं सारा जग बदला, जब से हमने दिल बदले हैं सारा जग बदला। से खुशियों की मदमस्त घटा है आज तो खुलकर बरसे, हो धूम मचाते गाते निकलो निकलो आज जिधर से, खुशियों की मदमस्त घटा है आज तो खुलकर बरसे, खुशियों की मदमस्त घटा है आज तो खुलकर बरसे। मेरा दिल है तेरा, तेरा दिल है मेरा, जब से हमने दिल बदले हैं सारा जग बदला, जब से हमने दिल बदले हैं सारा जग बदला। हेलो हेलो कब पहचाना? उस दिन जैक के साथ, उस दिन जैक के सामने आपसे बात नहीं कर सका। कौन सी बात? आपके फायदे की। मतलब? लाखों की दौलत। Say it again. लाखों की दौलत जो कि हमें मिल सकती है। हमें? Sit down. Thank you. आपकी शक्ल हूबहू उस लड़की से मिलती है। सुना है जैक उसे किडनैप करने वाला है। ये भी सुना है जैसे ही वो लड़की गायब होगी आप उसकी जगह ले लेंगी। ये नहीं सुना, जैक ने इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहा। जैक को कुछ नहीं मालूम इस बारे में, ये सब मेरा प्लान। नो, जैक के अगेंस्ट जाने की मुझ में हिम्मत नहीं। मुझ में भी नहीं। जैक से जिंदगी भर हम डरते रहे, उसके इशारों पर नाचते रहे, आपको ये पसंद? नहीं, लेकिन दूसरा रास्ता भी क्या है? मेरा साथ दीजिए, एक ही हफ्ते में हम लखपति हो जाएंगे। दौलत हाथ में आते ही जैक का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हम उसके पहुंच के बाहर बहुत दूर कहीं चले जाएंगे। खतरा सिर्फ दौलत हासिल करने तक, उसके बाद हम खतरे को खरीद सकते हैं। मेरा हिस्सा क्या होगा? आधा। कैश कितना? कम से कम $10,00,000। अगर फैसला करने के लिए कुछ वक्त चाहिए तो कर लिया, मैं तुम्हारे साथ। Thank you.
है दीपा। बिल्कुल मेरी जैसी, जरा सा भी फर्क नहीं। अच्छी तरह स्टडी कर लो, इसके बाप को भी असली नकली का पता नहीं चलना चाहिए। नहीं चलेगा। करने की जरूरत नहीं। उसकी चाल, बोलने का तरीका, हंसना सब अच्छी तरह स्टडी कर लिया। आर यू श्योर? डेड श्योर। दीपा, दीपा, क्या बचपना है, क्या हुआ? छोड़ दो, मुझे जाने दो। आखिर हुआ क्या? क्या हुआ तुम्हें मालूम नहीं? उस लड़की में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे थे? बस इतनी सी बात का बुरा मान गई? वो इतनी सी बात थी और क्या, एक सिगरेट जलाई उसकी मैंने, मुंह से मुंह मिलाकर, आंखों में आंखें डालकर। अरे तो तुम जलती भी हो? जलता वही है जो चाहता है। लेकिन मैं तो नहीं जला। जब स्विट्जरलैंड में तुमने शेखर को अपना बनाकर मुझे जलाने की कोशिश की। सैम, फिर कभी उसकी याद मत दिलाना, मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ। और याद किसे रखना चाहती है? इसे। इसमें मुझे वो सच्चा प्यार मिला जिसकी मुझे तलाश थी, जिसके लिए मैंने हिंदुस्तान से यहां तक सफर किया। अब वो सफर खत्म हो गया? अब तो शुरू होगा प्यार का सफर, अपने हम सफर के साथ।
देख कर सामने रूप की रोशनी लुटी जा रही है सुबह प्यार की। के हम सफर छक्के घर को चले झूमती आ रही है सुबह प्यार की। देख कर जाम भर कर दिए आंखों आंखों से जो मैंने तुमने पिए। होश तो अब तलक जाके लौटे नहीं, होश तो अब तलक जाके लौटे नहीं। और क्या ला रही है सुबह प्यार की। रात के कर सामने रूप की रोशनी फिर लुटी जा रही है सुबह प्यार की। किसने खाई कसम, किस नई राह पर हमने रखे कदम। चुप सा का प्यार कब हम छुपाए तो क्या, चुप सा का प्यार कब हम छुपाए तो क्या। सब समझ पा रही है सुबह प्यार की। रात के हम सफर थके घर को चले थक गई। नींद आ रही है? नहीं तो। ये पेरिस भी अजीब जगह, न जाने कब रात होती कब सुबह होती और कब मोहब्बत हो जाती है।
जाने जब यहाँ के लोगों को मोहब्बत होती तो वो क्या करते हैं? क्या? फ्रेंच अनियन सूप पीते हैं। वेरी नाइस इंडीड। पिया। दीपा। ओ सैम। लुईस। तुम दीपा के साथ? यस। तुम आम को उल्लू बनाया, अपना चक्कर चलाया, आम तुम से नाराज, तुम हाल से हमारा इंडियन दोस्त नहीं। इंडियन दोस्त? जूता, धोखेबाज। ये तो फ्रेंचमैन है। मी फ्रेंचमैन, ये हिंदुस्तानी। इसका मतलब? झूठ बोलता है। आम जूता, तुम जूता। इसका पासपोर्ट देखो, देखो, देखो। श्याम कुमार, बांस की मंडी, लखनऊ, इंडिया। श्याम कुमार, यानी मिस्टर सैम, यानी नकली फ्रेंचमैन। क्या धोखा दिया मैंने आपको? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम्हारी गलतफहमी दूर की कि हिंदुस्तानी लड़के सच्चा प्यार कर सकते हैं। चुप रहो, आज से मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। लेकिन तुम मुझे तो चाहती है ना? ओहो, छोड़ दो मुझे। लुईस के बच्चे, तेरा तो मैं भुर्ता कर दूंगा। गायब हो गई। आज से तुम दीपा। उसके डैडी के यहाँ आने तक किसी को जरा सा शक नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, मुझे सिर्फ मिस्टर सैम का डर है। सैम? वो तो अंधा है। अंधा? हाँ, मोहब्बत में। उसे तो तुम बड़ी आसानी से बेवकूफ बना सकती हो। और फिर अब दीपा और उसकी आदतों से तो तुम अच्छी तरह वाकिफ हो गई। कौन है बेटी? लेकिन ये पुलिस? अभी थोड़ी देर पहले ऑफिस में मुझे किसी ने टेलीफोन किया था कि जैक नाम के किसी आदमी ने तुम्हें गायब कर दिया है और तुम्हारी सही सलामत वापसी के लिए उसे $10,00,000 चाहिए। बस सिर्फ 10 लाख? ये मजाक की बात नहीं है बेटी। पुलिस से मालूम हुआ है कि जैक यूरोप का सबसे खतरनाक और माना हुआ गैंगस्टर है। रियली? लेकिन अभी तक तो उसने मुझे गायब नहीं किया, इसलिए अगर इनकी जरूरत ना हो तो। यू आर राइट, it was false news. Merci beaucoup, merci. फिर भी होशियार रहना चाहिए बेटी। मैं तो डर गया था, अगर कुछ हो जाता तो मैं सेठ जी को क्या जवाब देता? ओ चाचा जी, अब बिल्कुल फिकर मत कीजिए, जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट डियर। गुड नाइट। वंडरफुल सूजी, जब तुमने मेरे डैडी की आंखों में धूल झोंक दी तो फिर दीपा के डैडी को उल्लू बनाना तो बहुत ही आसान है। बस अब हमारे लखपति बनने में जरा भी शक नहीं। लेकिन देर है। थोड़े दिनों की। अच्छा तो मैं चला, अब मेरा यहाँ आना भी ठीक नहीं। जरूरत होगी तो मैं खुद तुम्हें टेलीफोन कर लूंगा। गुड नाइट। गुड कौन? शाम उर्फ सैम उर्फ हुक्कू पाशा उर्फ दीपक सैम, यानी के मैं। हेलो सैम, मेरे लिए है। हाउ लवली। लवली यानी के नो गेट आउट।
मैंने समझा तुम मुझे डांटोगी गालियां दोगी, मैं तुम्हें समझाऊंगा मनाऊंगा। मगर किस लिए? क्या तुम मुझसे बिल्कुल नाराज नहीं? मैं कभी तुमसे नाराज हो सकती हूँ? तो फिर कल क्या हुआ था? उसे भूल जाओ ना, कल की बात कल खत्म होगी। दीपा, तुम्हें कभी शक नहीं हुआ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ? नहीं तो? मुझे फ्रेंचमैन क्यों बनना पड़ा जानती हो? तुम्हारी गलतफहमी दूर करने के लिए हिंदुस्तानी सच्चा प्यार नहीं कर सकता। वो तो कब की दूर हो गई? तुमसे मिलने के बाद। तुम ठीक तो हो ना? तुझे क्या लगता है? डर लगता है, तुम पहले कभी इतने करीब नहीं आई मेरे। बैठो। ये सैम, आज तो मुझे कहीं बाहर नहीं ले चलूंगा। मैं जरा तैयार होके आती हूँ। ए, कौन आया था यहाँ पे? कोई नहीं। तो फिर ये सिगरेट किसका है? सिगरेट? हाँ, कल चाचा जी आए थे। कल? ये तो अभी तक जल रहा है। जल रहा है? मेरा मतलब तुम्हारे आने से थोड़ी देर पहले। गाड़ी रोकी? लुई से मिलना है, सामने के मकान में उसका डाक रूम है। लुई? लुई? ओ हाँ, लुई। कमाल है, कल उसी की वजह से नाराज होकर तुम चली आई और आज ऐसे बात कर रही हो जैसे जैसे कि उसे पहचानती नहीं। हाँ, वो आदमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। चलो कुछ और बात करो, मेरी और अपनी। एक ही दिन में तुम बहुत बदल गई। वो कैसे? कल और आज की दीपा में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ है, और इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। मैं? कल मैं तुम्हें जितना चाहती थी आज उससे ज्यादा चाहने लगी हूँ। क्यों? कल मैं गुस्से होकर चली गई और तुम नाराज होने के बजाय इतने सारे फूल लेकर मुझसे मिले। बस इतनी सी बात है, मैंने समझा कि एंगेजमेंट रिंग का। एंगेजमेंट रिंग? गई कहाँ? सॉरी सैम, कल मैंने गुस्से में उतार के फेंक दी। अच्छा किया, कल सैम ने रिंग पहनाई थी, आज शाम पहनाएगा। अब इसे मत खो देना। याद है कल मैंने तुम्हें क्या कहा था? याद है, लेकिन फिर सुनना चाहती हूँ। यही कि लड़का लड़की से मिलता है, मोहब्बत होती है, लड़का प्रपोज करता है, फिर एंगेजमेंट रिंग पहनाता है और फिर कल भी मैं यहीं रुक गया था। तुम्हें तो कहा था ना, कल और आज में जमीन आसमान का फर्क है। दीपा, आज फर्क मत रहने दो, जमीन और आसमान को एक कर दो। क्या हुआ? हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे रिवाज के मुताबिक हम शादी से पहले ऐसी हरकतें नहीं करते। I'm sorry, Sam. चलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। दामोदर। सेठ जी। आप? नमस्ते दामोदर। नमस्ते नमस्ते। अरे भाई, दीपा फ्लैट में नहीं थी तो मैं सीधा यहाँ चला। आप अचानक पेरिस में? भैया अचानक क्यों, तुमने केबल भेजा था ना कि फौरन चले आओ, मैं चला आया। केबल? मैंने तो कोई केबल नहीं भेजा। केबल नहीं भेजा तो फिर किसने भेजा? मैंने। हेलो शेखर, तो केबल तुमने भेजा था? जी हाँ, डैडी के नाम से। शेखर, बात कुछ ऐसी नाजुक थी कि आपका यहाँ आना बहुत जरूरी था। कौन सी बात शेखर? मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्या? हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और दीपा इस शादी के लिए राजी। ये नामुमकिन है। आप अपनी बेटी से पूछ सकते हैं। मैं जरूर पूछूंगा, मैं यकीन ही नहीं कर सकता कि दीपा ने शादी करने का फैसला कर लिया। जी दामोदर,
मैं तो दीपा को समझा समझा कर थक गया था, उसी को लड़का पसंद ही नहीं आता था, और अगर वो शेखर से शादी करना चाहती है तो मैं बहुत खुश हूं। सेठ जी, शेखर मेरा बेटा जरूर है, मगर दीपा के लायक इससे अच्छा रिश्ता और हो ही नहीं सकता। दामोदर, आज तक तुम मेरे बिजनेस की देखभाल करते रहे हो, आइंदा से शेखर करेगा। जाओ बेटे, टेलीफोन करो, देखो दीपा आई है कि नहीं, फौरन बात पक्की हो जानी चाहिए। लेकिन इतनी जल्दी, कल सुबह तक कौन जानता है, दीपा अपना इरादा ही बदल दे। दामोदर, तुम मेरी बेटी को नहीं जानते हो। मैं दीपा को यहीं बुला लेता हूँ, जल्दी बुलाओ, जाओ। Get some coffee for the boss. Hello. Kaun, Suzy? Kaun? Who is speaking? Honey. Sorry, wrong number. Hi, honey. Goodbye. अभी आई हूँ। क्या बात है, चार पांच रुपए बहुत खिली हुई नजर आ रही है। अरे ये क्या है? ये है एंगेजमेंट रिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपा जी। मेरा क्यों? आप हम दोनों को बेरूट में छोड़ाई, उसके बाद हमारा प्यार बढ़ गया। मुबारक हो। थैंक यू। पापा जी कितने? बाय द वे पापा जी, हमारी लाइन तो एंगेज हो गई, पटा की बनिया है। काम है दीपा, मैं अभी आया। जल्दी आना, हनी के एंगेजमेंट के लिए कुछ सेलिब्रेशन होना चाहिए। श्योर श्योर हनी, मैं होने आया। तुम्हें मैनेजर साहब का ऑफिस मालूम है? हाँ जी, मैंने पता है, मुझे जल्दी वहां ले चल। घर के दीपा का टेलीफोन कुछ खराब मालूम होता है, मैं खुद जाकर उसे ले आता हूँ। आप बैठो, मैं देखता हूँ। यस दामोदर दयाल स्पीकिंग। ये आखिरी कॉल है, अब भी तुम $10,00,000 देने के लिए राजी नहीं हुए, आज शाम को दीपक खत्म कर दी जाएगी। खत्म कर दो। हेलो हेलो बॉस, वो बोलता खत्म कर दो। व्हाट? वहां जरूर कोई गड़बड़ है, तुम आधी पैरी जाओ और पहुंच कर मैं फोन करो। ओके बॉस। शेखर पापा जी सुनिए, आपकी डैडी ऑफिस में है? हाँ है। क्या बात है? पूछने की नहीं, चक्कर वाली बात है। दीपा जी को मकर सिंह ऑफिस ले चलो मुझे। चलो जी, माफ करना। क्या कहा? मिस्टर मालिक, आपके फ्लैट पे जो लड़की है वो दीपा नहीं। मगर दीपा जी से हूबहू शक्ल मिलती है, जैसे उनकी जुड़वा बहन हो, कंबाइंड सिस्टर। जुड़वा बहन? अगर मैं आपकी बेटी को अच्छी तरह नहीं जानता तो शायद मैं भी धोखा खा गया होता। दामोदर, क्या ये मुमकिन हो सकता है कि रूपा अभी तक जिंदा है? रूपा? रूपा कौन? दीपा की जुड़वा बहन, 20 साल पहले वाइफ की डेथ के बाद मैं दोनों बच्चियों को लेकर यूरोप आ गया था। वहां उनकी देखभाल के लिए एक हिंदुस्तानी नौकर मिल गया, मगर उस नौकर रखते वक्त मुझे पता नहीं था कि वो शराबी और जुआरी था। एक रोज शाम को चक्कू, कहां था सारा दिन? एक जगह फंस गया था। चक्कू, तूने शराब पी है? थोड़ी सी। मैंने तुझे बच्चों की देखभाल के लिए रखा है चक्कू, हमारा गर्दी के लिए नहीं। आंखें मत दिखाओ सेठ, ये यूरोप है, हिंदुस्तान नहीं है। यहाँ गर्मी दिखाने का नतीजा खतरनाक दिख सकता है। धमकी देता है मुझे, निकल जाए यहाँ से। मेरा हिसाब कर दो सेठ, अभी इसी वक्त। गेट आउट। सेठ, मेरे ऊपर हाथ उठाना बहुत भारी पड़ेगा। उसी रात को दोनों बच्चियां सो रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था, अचानक एक चीख सुनाई दी। डैडी,
दीपा को तो मैंने बचा लिया, मगर रूपा और जग्गू का कहीं पता नहीं चला। खैर, मैंने जग्गू का नाम कहीं सुना है। स्विट्जरलैंड में पापा जी, जब आपने शेखर को फोन किया था। यस, मैनेजर साहब, आपका बेटा कहाँ है इस वक्त? मेरा बेटा? यस। मालूम नहीं क्यों? वो जग्गू नाम को किसी बदमाश को जानता। आर यू श्योर? यस मिस्टर मालिक, और उसका कोई बॉस है जैक करके। जैक? यस। जैक ने मुझे टेलीफोन पे धमकी दी। जग्गू रूपा, इतने बरसों के बाद ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये सब क्या चक्कर है? मैं खुद हैरान हूँ। दीपा के फ्लैट में जिस लड़की से मैंने बात की थी, अगर वो दीपा नहीं है तो वो रूपा है, और कोई हो ही नहीं सकती। कुदरत ने उसे मेरे लिए बचा लिया। और इस वक्त सिर्फ वही जानती है कि दीपा कहाँ है। हाँ, हम लोग इसी वक्त उससे मिलने जाएंगे। चलिए आओ। हेलो। यस, कौन? मैं दीपा बोल रही हूँ। सूजी, तुम पीछे के रास्ते से फौरन नीचे आ जाओ। क्यों? बाद में बताऊंगा, जल्दी निकलो वहां से फौरन। मगर सिंह, तुम यहीं ठहर, बाद में फोन करना। हेलो सैम, हेलो दीपा, इन्हें पहचानते हो? मेरे पिताजी शादी से पहले तुम्हें मिलना चाहते थे। नमस्ते। रूपा। रूपा? मेरा नाम दीपा है। नकली दीपा, क्योंकि ये है असली दीपा के पिताजी। लेकिन लेकिन अभी तो तुमने मुझे साबित करना था कि तुम दीपा नहीं। तो फिर मैं कौन हूं? मेरी खोई हुई बेटी रूपा, दीपा की जुड़वा बहन। माफ कीजिएगा, आपको कुछ गलतफहमी हो गई होगी। माँ बाप भाई बहन, ये सब नए नाम है मेरे लिए। कोई नहीं है मेरा, मैं दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। नहीं नहीं, तुम मेरी रूपा के सिवा और कोई हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं? मेरा नाम सूजी है, यूरोप के सारे नाइट क्लब मुझे जानते हैं। नाइट क्लब? तुम वहां क्या करती हो? नाचती हूँ, गाती हूँ, पैसे कमाती हूँ। नहीं। क्यों नहीं? ये मेरा पेशा है। और कुछ पूछना है आपको? हाँ, दीपा बनके यहाँ रहने की वजह? सैम, मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। दीपा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। दामोदर, फौरन पुलिस को टेलीफोन कर दो। ठीक जी। तुम ठीक ही कहती हो, मुझे गलत फहमी हुई। मेरी बेटी एक नाचने गाने वाली नहीं हो सकती। शाम इसे पुलिस के हवाले कर दो। आप दीपा को जिंदा देखना चाहते हैं? तुम जानती हो दीपा कहाँ है? जानती हूँ। अगर तुम भी जानना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। जब तक मैं वापस ना हो पुलिस को खबर मत कीजिएगा। क्या क्यों लाई? इसलिए कि यहाँ सारे रास्ते मिलते हैं, तुम्हें अपना रास्ता चुनने में आसानी होगी। मतलब? मतलब आ बताती हूँ। सैम, तुमसे मिलने के पहले मेरी जिंदगी नाइट क्लबों में नाच गा के लोगों की भूखी नजरों के सामने अपनी जवानी की नुमाइश करती गुजरी। तुमसे मिलने के बाद मैंने जाना कि जिंदगी का मतलब कुछ और है। तुम कहना क्या चाहती हो? सैम, मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। तुम जानती हो मैं दीपा को चाहता हूँ। और ये भी चाहती हो कि वो जिंदा रहे। वो कहाँ है? ये सिर्फ मैं जानती हूँ। और बताने की कीमत चाहिए तुम्हें? नेचुरली। बोलो कितना? लाख, दो लाख, पांच लाख, कितने रुपए चाहिए तुम्हें? सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत। सैम, आई लव यू, मुझे अपना बना लो। मैं वादा करती हूँ दीपा सही सलामत अपने बाप के पास पहुंच जाएगी।
तुम उनकी बेटी नहीं हो? वो मेरे लिए अजनबी है, कभी उन्हें देखा नहीं, कभी उनके साथ नहीं रही। अपनी सगी बहन के साथ भी कोई हमदर्दी नहीं? नहीं, मैंने कभी उसे बहन की हैसियत से नहीं जाना। और जानने के बाद मेरे साथ उसकी जिंदगी का सौदा कर रही हो? मोहब्बत की खातिर मैं तुम्हारे प्यार का सहारा लेकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी बनना चाहती हूँ सैम। तुम इस काबिल नहीं। क्यों? दीपा में और मुझ में फर्क क्या है? बहुत फर्क है। अगर वो तुम्हारी जगह होती तो अपनी बहन की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान देती। तुम में और दीपा में इतना ही फर्क है जो कि असली और नकली में होता है, जितना के उजाले और अंधेरे में होता है, जितना के एक नेक और एक जलील इंसान में होता है। बताओ मुझे दीपा कहाँ है, अभी बताओ। सुजी मैं कहता हूँ बताओ मुझे। अगर तुम अपना फैसला बदल दो तो हमारे होटल में आ जाना। सुजी मुझे बताओ। गुड बाय। जिंदा रहे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर तुम चाहते हो कि दीपा जिंदा रहे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर तुम चाहते हो कि दीपा जिंदा रहे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर तुम चाहते हो कि दीपा जिंदा रहे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर तुम अपना फैसला बदल दो तो हमारे होटल में आ जाना। अगर तुम अपना फैसला बदल दो तो हमारे होटल में आ जाना। अगर तुम अपना फैसला बदल दो तो हमारे होटल में आ जाना। अगर तुम अपना फैसला बदल दो तो हमारे होटल में आ जाना।
मुझे मालूम था कि तुम आओगे। एक मिनट ठहरो, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। बैठो सैम। तुम? No, thank you. No? Well, cheers. क्या फैसला किया? तुमसे शादी करने का। बिना किसी शर्त के? तुम शर्त जानती हो। जरा ज़िप खोल दो ना। मैं तुमसे इस बात का वादा चाहता हूँ कि दीपा सही सलामत अपने पिताजी घर पहुंच जाएगी। बस और कुछ नहीं चाहती मुझसे, इसलिए तो मैं तुम्हें इतना चाहती हूँ सैम कि तुम मुझसे कुछ नहीं चाहते। तुम मेरी बनना चाहती थी, मैं राजी, बस इतना काफी। नो सैम, थैंक यू। मैंने तुमसे प्यार मांगा था, रहम की भीख नहीं। जिंदगी भर मैं तुम्हारे बाहों में रहूंगी और दीपा तुम्हारे दिल में। जिंदगी भर मुझे एहसास रहेगा कि तुमने मजबूर होकर मुझे अपना बनाया। सुजी। नो थैंक यू सैम, मैं बुरी हूं, सस्ती हूं, लेकिन इतनी गिरी हुई नहीं हूं कि शादी के नाम पर किसी के साथ अपने जज्बात का सौदा करो। अब तुम जा सकते हो। गुड बाय सैम। मुझे अफसोस है, मैं सुजी को राजी नहीं कर सका। उसने दीपा का पता नहीं बताया। मैंने तुमसे कहा था ना पुलिस में खबर कर दो, उससे उसकी जान खतरे में पड़ जाती। उसकी जान तो अब भी खतरे में है। ना जाने कैसी है, कहाँ है मेरी बेटी। उसे पाने के लिए मैं अपनी सारी दौलत लुटा सकता हूं, मुझे उन बदमाशों की हर शर्त मंजूर है। दीपा को लौटाने की वो जो कीमत चाहे मैं देने के लिए तैयार हूं दामोदर। सिर्फ $10,00,000। कौन? पहचाना नहीं सेठ जी? आपका पुराना वफादार नौकर जग्गू। जग्गू तो अब तक जिंदा है? अभी तक, और आपकी बेटी भी जिंदा है। मर गई होती तो अच्छा होता। आज उसे मैंने जिस रूप में देखा है। किसे देखा है आपने? रूपा को, जो अब अपने आप को सूजी कहती है। सूजी? वो आपको कहां मिली? दीपा के फ्लैट में। ओ, अब समझा। नमक हराम कमीने, बता तूने दीपा कहां गायब कर दिया? नहीं तो मैं तुझे अभी पुलिस के हवाले करता। एक बेटी की तो खो चुके हो सर जी, अब दूसरी को भी खोना चाहते हो? जग्गू, तुम जानते हो दीपा कहाँ है? हाँ मैं जानता हूँ। कल शाम तक $10,00,000 अगर जग के हाथ में नहीं पहुंचा तो दीपा जिंदा नहीं रह सकती। नहीं 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 दामोदर, कल शाम तक $10,00,000 का इंतजाम हो जाएगा। हो सकता। खैरियत, दीपा तुम्हारे कब्जे में, इसका क्या सबूत है? सबूत? ये सबूत। दीपा का हैंडराइटिंग है। बोलो, रकम कहां और किसे देना होगी? काले रंग के सूटकेस में $10,00,000 लेकर सिर्फ एक आदमी कल शाम को ठीक 5 बजे नायग्रा फॉल्स के टावर के नीचे पहुंच जाए। उसके बाद? उसके बाद की हिदायत वहीं मिलेगी। गुड बाय। Thank you.
बता दीपा कहाँ है? बता दीपा कहाँ है? बस करो बस करो, ये तो बेहोश हो गया, इसे पुलिस के हवाले करना ही ठीक होगा। दामोदर जी, मेरे लिए कल के प्लेन में नायग्रा फॉल की सीट बुक करा। उन बदमाशों के साथ आप नहीं निपट सकेंगे, ये आपका काम नहीं, मुझे जाने दीजिए। तुम्हें जाने दो? ये कैसे हो सकता है? ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। और आपकी बेटी मेरी जिंदगी है। Matchbox. No, I've got a lighter. Coming from where? Paris. Okay, follow me. Orderly. देखो है ना तुम्हारे डुप्लीकेट। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मैं आईने में अपने आप को देख रही हूँ। यस डार्लिंग। अच्छा मैं चलता हूँ, जगह पर टेलीफोन आने वाला है। मत रो दीपा, कौन हो तुम? तुम्हारी जुड़वा बहन, लेकिन मेरी तो कोई बहन नहीं, तुम्हें मालूम नहीं। मुझे भी नहीं मालूम था, तुम्हारे पिताजी ने बताया। डैडी ने? कहाँ? पेरिस में। जिंदगी में पहली बार अपने पिताजी से मिली, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि तुम जितनी अच्छी हो मैं उतनी ही बुरी हूँ। तुम में और मुझ में उतना ही फर्क है जितना उजाले और अंधेरे में होता है। बिल्कुल ठीक कहा था सैम ने। तुम सैम को जानती हो? जानती थी कुछ दिनों के लिए। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम फौरन मेरे कपड़े पहन लो और यहां से निकल जाओ। और तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम्हारी जान खतरे में है। अपनी बहन को खतरे में डालकर मैं अपनी जान बचा लूं? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। जाओ दीपा, बहस मत करो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं दीपा, नहीं। अपना प्यार मेरे लिए जाया मत करो, मैं इस लायक नहीं हूं। मैं इन्हीं बदमाशों के साथ काम करती हूं। क्या आज के बाद पिताजी की तरह तुम भी मुझसे नफरत करो? लेकिन जाने से पहले एक बार मुझे गले लगा लो दीपा, ऐसा मौका मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। आओ जब सैम से मिलोगे तो मेरी तरफ से इतना ही कह देना, अंधेरा वही होता है जहां रोशनी दिखाने वाला कोई नहीं होता। This way, please, sir. Thank you. Please go inside. Come in.
ओके बॉस। शेखर तुम? मुझे दीपा के बाप ने भेजा है $10,00,000 के साथ। तुमको? हाँ, दीपा को वापस लाने के लिए। रियली? तुम जैसे 420 आदमी पर दीपा का बाप यकीन करता है? वो मुझे अपना दामाद बनाने के लिए राजी हो गया। ओ नो, तुमने उसके बाप को भी फांस दिया। जैक, तुम हमेशा मुझे बेवकूफ समझते रहे, हमेशा डरा धमकाकर अपने इशारों पर चलने के लिए मजबूर करते रहे, और अब तुम स्मार्ट हो गया। हाँ। ओके स्मार्ट है, बॉक्स उधर रखो। पहले दीपा को बुलाओ। हम जबरदस्ती ले सकता है, लेकिन तुम लेगा नहीं, क्योंकि ये एक सौदा है। तुम्हें रकम चाहिए, मुझे दीपा। तुम सच में बहुत स्मार्ट हो गया, मुझे तुमसे डर लगने लगा। ओके बेटा, गेट दीपा। यस बॉस। ओ सुजी डार्लिंग, कम देखा तुमने? यस बिल्कुल मेरी जैसी है ना। शेखा, तुम सुजी से मिले हो? ओ यस। हेलो। हेलो, तुम लोग बातें करो, मैं जरा बाहर घूम के आती हूँ। ओके। जैक, किसी से कह दो ना, मुझे जरा बाहर तक छोड़ दे। श्योर माय डियर। थैंक यू जैक। होल्ड हिम, उस पे नजर रखो और एक मिनट ठहरो। वो दूसरा आदमी कौन है? दूसरा? कौन दूसरा आदमी? जो काला सूटकेस लेकर आया है और टावर के नीचे वेट कर रहा है। होगा कोई, मुझे क्या मालूम। बॉक्स खोलो। यकीन नहीं आता? हमारा बिजनेस में बाप का यकीन भी नहीं होता, और अपने आप पर भी। जल्दी करो। आदमी अभी उधर है, उसको फौरन नायगरा फोर्स के टनल भेजो। Have you got a matchbox? No, I have a lighter. Coming from where? Paris. Okay, go inside Niagara Tunnel. Thank you. खबरदार जो आवाज की, आओ मेरे साथ। आप
I'll shoot. तो तुम्हारा पुराना आशिक है सैम। इसने शुरू से मेरे रास्ते में रुकावटें डाली, आज ये मेरे कब्जे में आया है। सैम, तुम यहां से भाग जाओ। जा। मैं दीपा नहीं हूं, मैं सूजी हूं। यकीन करो कि मैं सूजी हूं। मैंने दीपा को रिहा कर दिया है, वो जैक के बोर्ड में तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम भाग जाओ सैम, यहां से भाग जाओ। हो गई। कैसे? शेखर से गोली मारकर भाग गया, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ, वो बाहर बेहोश पड़ी है। फिक्र न करो पापा जी, मैं पुलिस लेके आता हूँ। जल्दी करना। Thank you.
आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ वो दिखलाने कहाँ प्यार है तुमसे वो जाना कहाँ प्यार है तुमसे कहाँ प्यार है तुमसे हाँ वो जाना कहाँ प्यार है तुमसे हाँ हाँ कहाँ प्यार है तुमसे कहाँ ना वो जाना कहाँ प्यार है तुमसे हाँ हाँ है